मॉर्निंग क्लास सेकेंड, मैंने आपको नोटबुक के अंदर कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर करवाए थे, ठीक है ना। तो आप उसमें से ये री नोटबुक, ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर जो कराए थे, ये आपको इसमें किसमें, ये जो दिख रहा है प्रातःकाल कौन आकर हमें जगाता है, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। किसमें से देखकर करोगे, नोटबुक में से देखकर करोगे, ओके कर लोगे ना, क्योंकि मैंने आपको नोटबुक में करा दिया है, तो आप इसमें से देखकर इजी वे में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि पहला है, प्रातःकाल कौन आकर हमें जगाता है, सूरज की किरण। आलस छोड़कर कब उठ जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप बुक में से देखकर करोगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन सेकंड, सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाओ। गीत किसने सुनाया, भिखारी ने, चिड़ियों ने या गायक ने। सुबह सुबह गीत कौन सुनाता है, चिड़ियों ने, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज अ राइट। हमें सुबह होने पर क्या छोड़ देना चाहिए, घर, आलस या स्कूल। घर तो नहीं छोड़ सकते, स्कूल भी नहीं छोड़ सकते, हमें क्या छोड़ना चाहिए, आलस छोड़ना चाहिए, ठीक है। बच्चे सुबह होते ही कहाँ जाते हैं, बच्चे सुबह होते ही कहाँ जाएंगे, बाजार, स्कूल या शहर। बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल, तो स्कूल को राइट करना है। यश प्राप्त कर हम अपना क्या बढ़ा सकते हैं, अभिमान, अपमान या मान। यस, हम अपना मान बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। मैं भी झट डैश, तो ये देखना है मैं भी झट के बाद क्या आएगा। पोयम देखेंगे हम अपनी, कविता मैं भी झट, ये रही मैं भी झट तैयार हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे तैयार हुआ, ठीक है। डैश मुझको आया, डैश मुझको आया क्या आया, आलस न मुझको आया, तो यहाँ पे आ जाएगा आलस न मुझको आया। झटपट गया, कहाँ गया भाई झटपट, देखते हैं, झटपट गया विद्यालय में, तो यहाँ आएगा ठीक है। फिर है डैश भाया, डैश भाया में आएगा पढ़ना भी मुझको भाया, तो यहाँ आ जाएगा पढ़ना भी मुझको भाया, ठीक है। ये हमने पंक्तियाँ पूरी कर ली। अब है सही मिलान करो, सुबह किरण, चिड़िया, चिड़िया क्या करेगी, गीत सुनाती है, विद्यालय, विद्यालय में हम क्या करते हैं, पढ़ना, मुर्गा, मुर्गा क्या करेगा, कुकड़ू को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिलान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला बनाओ। शुद्ध शब्द देखो, चिड़ियों ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, सुबह ये शब्द सही है, इसको गोला लगाओ, किरण ये गलत है, किरण में छोटी की मात्रा आती है तो इसको हम गोला लगाएंगे, मुर्गा ये रॉन्ग है, ज्ञान ये भी रॉन्ग है, चिड़िया, चिड़ियों ये हमारा सही शब्द है, ज्ञान भी हमारा सही शब्द है, ठीक है, मुर्गा भी सही है, सुबह में छोटे ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमने शुद्ध शब्द पर गोला लगाया। नेक्स्ट है विलोम शब्द, मुर्गा, मुर्गा का विलोम क्या होगा, मुर्गी, ठीक है। जीवन मृत्यु, देर जल्दी, सुबह शाम, ठीक है। अब है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तनिक, तनिक का मतलब होता है थोड़ा। आलस, आलस का मतलब सुस्ती। मान यानी कि आदर करना, और सदा यानी कि हमेशा, ये इसके अर्थ हो गए, ठीक है। अब आता है उच्चारण करो। कुकड़ू, कु, किरण, मुर्गा, जीवन, यश, विद्यालय, ये आपको रीड करने हैं। ये आपका ओरल है, ओनली रीड, और ये प्रश्नों के उत्तर भी आपको सिर्फ रीड करने हैं। सुबह होने पर कौन गीत सुनाती है, चिड़िया,
ठीक है। हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए? आलस करने से क्या होगा, हमारे सारे काम लेट हो जाएंगे, है ना। सारे काम में क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हमारे सारे काम क्या हो जाएंगे, हमारे सारे काम देर से होंगे। ठीक है। कवि बोर होने पर क्या छोड़ने के लिए कह रहा है, कवि बोर होने पर क्या छोड़ने के लिए बोल रहा है, आलस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरल, ये आपको इसी में करना है बुक में। ठीक है, फिर क्या है, देखो प्रातःकाल के दृश्य का सुंदर चित्र बनाकर रंग भरो। आपको यहाँ पर प्रातःकाल का दृश्य बनाना है। ठीक है, जैसे कि पहाड़, यहाँ पे जैसे पहाड़ बना दिए आपने, सन बना दिया, यहाँ पे नदी निकाल दी, ठीक है, बर्ड्स बना दिया, ट्री बना दिया, इस तरीके से आपको यहाँ पे सीनरी बनानी है अच्छी सी। ठीक है, तो ये सारा जो भी वर्क है आपको, ये एक तो पहला ये आपको नोटबुक में से देख के करना है, और फिर ये सारी एक्सरसाइज आपको इसी में फिल करनी है। ठीक है क्लास सेकंड, थैंक यू।